भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी होप सो आई एम विजिबल टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, एक बार कमेंट करिएगा क्या आप सभी को आवाज आ रही है मेरी, जल्दी से एक बार कमेंट करिए, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए एक बार कमेंट करो ऑडिबल हूं ना सभी को। बेटा एक चीज याद रखना, अगर हम कोई चीज रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना तो वो हमेशा डेफिनेटली हमें 100% बेनिफिट करता है। उसमें से एक है ये सेशन जो कि हमें साइंस का डेली 8 बजे मिलता है, ठीक फिक्स टाइमिंग है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एक बार शेयर करना सेशन को सारे के सारे, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं, एक बार शेयर कर दो बढ़िया तरीके से। चलो विजिबल हो ना सभी को, अरे क्या मैं विजिबल हूं? एक बार कमेंट कर दो, बफरिंग तो नहीं हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक है बेटा। आप जितने बच्चे देख रहे हैं इस क्लास के बाद एक टॉपिक वाइज जीके का भी सेशन होगा, इस टॉपिक वाइज जीके का भी सेशन जरूर देखना। कमेंट बॉक्स पे एक बार लिखो बफरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा है कि आपको मैं विजिबल हूं कि नहीं हूं, ठीक है। बफरिंग मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा हो रही है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जितने बच्चे देख रहे हैं। अपनी सभी सेशन ऑन टाइम है अपना, आप अनअकैडमी कॉम्बैक भी एक्सेस कर सकते हो। अनअकैडमी कॉम्बैक के लिए आपको रेफर कोड लाइव अमन यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। आपके प्लस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप अनअकैडमी में जब आप जुड़ रहे हैं तो आपके प्लस कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप इन प्लस कोर्सेज में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। टॉप एजुकेटर बैचेस जो है आप कवर करेंगे तो आपको डेफिनेटली सभी सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, ए टू जेड चीजें जो आपको, ठीक है, वो सब कुछ अवेलेबल होने वाला, ठीक है। कैसे आप एसएससी गोल सिलेक्ट करें, एसएससी गोल सिलेक्ट करके कैश में क्लिक करें, कैश में क्लिक करने के बाद मंथ सिलेक्ट करें, मंथ सिलेक्ट करने के बाद रेफर कोड यूज करें लाइव मंथ, ठीक है। लाइव ऑन रेफर कोड यूज करें जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। और एक बार कमेंट कर दो आपको मैं विजिबल हूं ना। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सारे के सारे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, ऑफियोलॉजी किसकी स्टडी है, कौन से एनिमल की स्टडी को ऑफियोलॉजी कहते हैं, कमेंट करिए कौन से एनिमल की स्टडी को ऑफियोलॉजी कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सभी से बताइए। शेयर करना है एक बार सेशन को, ठीक है, बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कौन से एनिमल की स्टडी को ऑफियोलॉजी कहते हैं, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑफियोलॉजी किसे कहते हैं बेटा, स्नेक की स्टडी को कहते हैं, ऑफियोलॉजी किसे कहते हैं, स्नेक स्टडी को ऑफियोलॉजी कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, ऑफियोलॉजी क्या है, स्नेक की स्टडी को ऑफियोलॉजी कहा जाता है, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ऑक्सिलरी ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द प्लांट लीव्स, जल्दी से देख कौन सा इसमें से हमें वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बेटा किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको मैं विजिबल भी हूं कि नहीं, ठीक है। आप एक बार कमेंट तो करें, रिप्लाई तो करें, ठीक है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं विजिबल हूं कि नहीं, बफरिंग हो रही है कि नहीं, ठीक। जल्दी से एक बार कमेंट करो सारे के सारे, हाँ जी। और साथ के साथ ये भी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है,
वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, रूट से लीव्स में जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, रूट से लीव्स में जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सारे के साथ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। ठीक, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करना सारे के साथ। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, जाइलम्स होता है यार। जब भी अगर मैं बात करूं कि जब वाटर की बात होती है और वो भी प्लांट से संबंधित, तो ऑब्वियसली 100% आंसर क्या होता है, जाइलम होता है। ठीक है, 100% आंसर क्या होता है, जाइलम आंसर होता है। जब भी बात किसकी हो, वाटर की बात हो और किसमें प्लांट में वाटर की बात, तो जाइलम आंसर होता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। ये आपने क्वेश्चन सुना होगा, वैसे भी आप जानते हो कि जो हाथी के जो है ना, खाने के और दिखाने के और दांत होते हैं, कुछ इस तरीके का आपने कहावत भी सुनी होगी। Which part of elephant convert, ठीक है, which part of elephant convert in the form of elephant teeth, पता है कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ना एलिफेंट के टीथ में कन्वर्ट होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा पार्ट है जो एलिफेंट के टीथ में कन्वर्ट होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सारे के साथ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब सेकेंडरी, इंटरनल और पोस्टर टीथ, इनमें से होगा तो भाई जबड़ा तो हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली, है ना। तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है इसका सेकेंडरी टीथ का आंसर है कि भाई जो सेकेंडरी टीथ होते हैं ना, ठीक है, ये इसके किस में कन्वर्ट होते हैं, एलिफेंट टीथ में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एग्जैक्टली कि हाँ भाई ये हाथी के दांत है, लेकिन वो भी क्या, दिखाने के, ठीक है, खाने के अलग। ठीक, और पूछ रही ये नहीं करेंगे, चलो कर लो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, आईज ऑफ पोटैटो, पोटैटो क्या होता है कि भाई आलू की आंखें होती हैं क्या, ठीक है, आलू की आंखें नहीं होती है, उसके ऊपर जो बर्ड्स जावे बनते हैं ना, उसे हम कहते हैं, ठीक है, और वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ये दिमाग रखिएगा, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए जरूरी होता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आप अगर इस क्लास को ढूंढ रहे हो ना, तो वो आप पता है क्या करें, सिंपल ना टाइमिंग कर लो कि आपको 8 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे क्लास मिलती है, तो आप 8 बजे चैनल का नाम सर्च करो, ठीक है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, तो आपको डेफिनेटली इस पे 8 बजे यही सेशन मिलेगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। देखो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है कि जो अपने प्लांट होते हैं ना, उनके जो पार्ट है उनकी मूवमेंट लाइट की वजह से होना, किसकी वजह से, लाइट की वजह से होना, फिर प्लांट की जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होना, लाइट की वजह से होना, पहली बात तो ये, ठीक है। अब लाइट की वजह से मूवमेंट हो रही है तो वो कौन से हार्मोन की वजह से होगी, कौन से हार्मोन की वजह से होगी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लाइट की वजह से जो मूवमेंट हो रही है वो कौन से हार्मोन की वजह से होगी, बताइए लाइट की वजह से जो मूवमेंट हो रही है वो कौन से हार्मोन से कंट्रोल होती होगी। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, चलिए आंसर क्या है बेटा, इसको कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कंट्रोल होती है। ठीक, किसकी वजह से, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से, वैसे तो सारे के सारे हार्मोन है, ठीक है, जैसे इथाइलिन का आता है कि जो फल पकते हैं, फ्रूट रिफाइनिंग जो होती है, ठीक है, फल जो पकते हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है बेटा, इसकी वजह से होता है। ठीक है, ऐसे सेल डिवीजन हो गया, जिबरेलिन हो गया, ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, सारे हार्मोन पढ़ने पड़ेंगे, प्लांट के हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। कौन सा ऐसा फल है जिसके जो बीज होते हैं ना वो बाहर होते हैं, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन से फल के बीज जो है बाहर होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन। देखो याद रखे, अब ये याद क्या रखना है, सभी खाते भी होंगे स्ट्रॉबेरी जो है ना, उसके ऊपर ब्लैकिश जो होता है, वो जो सीड्स जो होते हैं स्ट्रॉबेरी के, वो हमेशा बाहर होते हैं। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, ठीक है, हाँ जी। यूजफुल पार्ट ऑफ निकोटिनिया इज, ठीक है, निकोटिनिया का यूजफुल पार्ट कौन सा है, बीज है, लीफ है, रूट है, या फिर फ्लावर है, कमेंट करिए, कमेंट करिएगा सारे सारे, शेयर करना साथ के साथ। बेटा बफरिंग स्टार्टिंग में हो रही थी, ठीक है, और वो मुझे भी पता है कि आया बफरिंग हो रही थी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो रही है, उम्मीद है, ठीक है, अभी हम क्लास पूरी देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट करो सेशन, ठीक है, सेशन पूरा कंप्लीट करो, जल्दी से बताओ। ठीक है, यूजफुल पार्ट जो है निकोटिनिया का वो क्या बेटा, याद रखिएगा, पत्ते, ठीक है, लीव्स आर द यूजफुल पार्ट ऑफ निकोटिनिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, ये कर रहे, पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, आसान क्वेश्चन भाई, पल्सेस जो दाल होती है उससे हमें क्या मिलता है, ठीक, किसका सोर्स है, पल्सेस आर द गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग,
किसका सोर्स है बताइए कमेंट करें। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, शेयर करना जल्दी से और बताइएगा आंसर क्या होगा। देखो यार प्रोटीन मिलता होगा ऑब्वियसली, डेफिनेटली है ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि वेजिटेरियन व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, पल्सेस खाते हैं प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, और उसका अपोजिट भी है, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन का, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा इसका, प्रोटीन है, ठीक है। तो आपके ना फूड सोर्स वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कभी आपसे कार्बोहाइड्रेट का पूछता है, कभी आपसे वाइटमिन का पूछता है, कभी आपसे फैट का पूछता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, बैक्टीरिया किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। देखो यार क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़ा सा ना पेपर क्वेश्चन को मुश्किल बनाते हैं। अब जैसा ये क्वेश्चन है इस हिसाब से तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, बैक्टीरिया किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, क्या प्रोसेस होती है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन प्रोसेस कौन सा होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन प्रोसेस कौन सा होता है, कमेंट करिएगा सारे सर आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन प्रोसेस कौन सा होता है, ठीक है, असेक्सुअल मेथड होता है, ठीक है, असेक्सुअल मेथड के थ्रू जो है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली असेक्सुअली होगा, ठीक है, देखो सेक्सुअल मेथड तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों तो गए, ठीक है। अब कह रहा है बाय असेक्सुअल मेथड ओनली, ठीक है, तो ये भी गलत है, ओनली, ठीक है, ओनली वर्ड कहीं पे भी गलत हो, ऑल वर्ड कहीं पे भी हो तो वो गलत ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, बताइए। इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन को साइज को देख के मतलब सोचना मत कि भाई ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जब आपसे एक वर्ड दिख देना यूवी तो आपका आंसर भी एक ही होता है, ठीक है, अब आप समझ लो कौन सा आंसर होता है, खुद बता दो कौन सा आंसर होगा, एक वर्ड जब अल्ट्रा वॉलेट सामने आ जाए तो आंसर भी एक ही होगा, बताइए कौन सा वर्ड होगा, ठीक है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन डूज नॉट रीच द अर्थ सरफेस, ठीक है, बिकॉज द अर्थ एटमोस्फेयर इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ओजोन लेयर से, ऑब्वियसली ओजोन लेयर से, ठीक है, आसान क्वेश्चन हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है, बताइए। देखो यार ये साइंस का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है इन सब पे भी सवाल आते हैं, ठीक है। रन ऑफ कच्छ जो है इंडिया में वो किसके लिए फेमस है, कमेंट करिएगा, रन ऑफ कच्छ जो है इंडिया में वो किसके लिए फेमस है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, शेयर करना सर्षों को जल्दी से बताइए। रन ऑफ कच्छ जो है इंडिया में वो किस चीज के लिए फेमस है, कमेंट करिएगा सारे सर, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो याद रखिएगा रन ऑफ कच्छ किसके लिए फेमस है, ऑब्वियसली टाइडल फ्लैट्स इन सब के लिए फेमस है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ जी, एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो वर्ड, देखो पहली बात तो ये जो लेड होता है ना ये जहर होता है, अब कैसे, एग्जाम्पल जो बुलेट होती है ना, अगर बुलेट शरीर के इंसान के शरीर में रह जाती है तो वो लेड पॉइजनिंग ही करता है, ठीक है, बुलेट से कारतूस जो होता है उससे भी लेड पॉइजनिंग ही होती है, अगर वो एक्यूट लेड पॉइजनिंग है तो उसको हम किस टर्म से डोनेट करते हैं, एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो कोल्ड एज वर्ड, क्या कहा जाता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक्यूट लेड पॉइजनिंग को क्या कहा जाता है बेटा, कमेंट करिएगा सवाल के साथ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, देखो यार ईटा ईटा तो मत बताओ यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता ना ऐसे, अगर ईटा ईटा तो होता तो फिर तो यार आपको बहुत ही ज्यादा, ठीक है, पढ़ लियो, क्योंकि ये तो इतना आसान है ईटा ईटा का, ठीक है, प्लम्बिज्म कहते हैं इसे, ठीक है, दिमाग करके प्लम्बिज्म कहते हैं इसे, ठीक है, टर्म यूज करते हैं प्लम्बिज्म, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शेयर करना सेशन को, रेडियो इम्प्लांट जो है इज द थेरेपी, ये थेरेपी किसके लिए यूज की जाती है, किसके ट्रीटमेंट के लिए इस थेरेपी को यूज किया जाता है, कमेंट करेगा किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए इस थेरेपी को यूज किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेगा, ठीक है। ये जो आर आई ए की थेरेपी है ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, आंसर क्या होगा बेटा, कमेंट करेगा सारे के साथ, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, कमेंट करेगा सारे के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलो याद रखना आंसर है इसका बेटा, याद रखिएगा टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज एंड हार्मोन प्रेजेंट इन द ब्लड सैंपल, ठीक है पहली बात तो ये। और एड्स को क्योर करने के लिए भाई कब से सुना आपने, ठीक है एड्स को क्योर करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ठीक है ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, हॉर्मोन प्रेजेंट है या नहीं है इसको डिटेक्ट करने के लिए होगा, ठीक है उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है उसके अलावा कुछ भी नहीं, यही तरीका बस इसका, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, जो फैट प्रेजेंट होता है ना हमारी स्किन पे, ठीक है वो किस चीज को रोकता है, जल्दी से बताइए किस चीज को रोकता है, बताइए बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। हमारी त्वचा पे जो फैट प्रेजेंट होता है ठीक है वो किस चीज को रोकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है हमारी त्वचा पे जो फैट प्रेजेंट होता है वो किस चीज को रोकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करें, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो जो फैट प्रेजेंट होता है ना बेटा याद रखिएगा वो किस चीज को रोकता है, हमारे शरीर में जो हीट होती है ना उसको रोकता है कि वो हीट क्या बोलते हैं बाहर ना जाए, ठीक है याद रखिएगा लूज ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, लूज ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बताइए सर को शेयर करेगा यार सारे के सारे, बताइए सेल्फ पोलिनेशन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कमेंट करेगा सेल्फ पोलिनेशन से क्या होता है, कमेंट करेगा सारे के सारे आंसर क्या होगा, ठीक है सेल्फ पोलिनेशन से क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए, ठीक है सेल्फ पोलिनेशन विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा। आज मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चे कहां गायब होंगे, ऐसे कैसे चलेगा, सुबह सुबह आ जाते हो, मैंने सुबह सुबह का बोला कि भाई सुबह सुबह आएगा तो तुमने शाम को छोड़ दिया, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, देखो सेल्फ पोलिनेशन से इनब्रीडिंग होती है, ठीक है इनब्रीडिंग होती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बताइए डीएनए शो द हाइपरक्रोमिसिटी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से एक्शन पर डीएनए हाइपोक्रोमोसिटी शो करता है, जल्दी से ठंडे होने पर, रेप्लिकेट होने पर, हीट होने पर, क्रिस्टलाइज होने पर, किस प्रोसेस पे जो डीएनए है हाइपोक्रोमोसिटी जो है शो करता है कमेंट करेगा, अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, ठीक है हाइपोक्रोमोसिटी जो है किस कंडीशन में शो करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है एक नया क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है चलो ये हाइपोक्रोमोसिटी शो करता है किस पे, हीट होने पे, डीएनए हीट होने पे शो करता है हाइपोक्रोमोसिटी, ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर ये इजी भी है और भाई ये ऐसे क्वेश्चन डिसीज वाले इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ऐसे क्वेश्चन जो डिसीज वाले है ना वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ह्यूमन पेप्लिमा वायरस जो है किस डिसीज से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा ये जो वायरस है ये किस डिसीज से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा सारे के सारे। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा सर्वाइकल कैंसर इसका आंसर है, ठीक है सर्वाइकल कैंसर इसका आंसर है, ठीक है बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आंसर क्या है इसका सर्वाइकल कैंसर इसका आंसर है, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस जो है किस डिसीज से संबंधित है, सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है, ठीक है महत्वपूर्ण सवाल है पूछा सकता है, ठीक है हाँ जी ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया कि भाई जो हमारा फूड है फाइबर स्पेसिस है मसाले फ्रूट बेवरेजेस क्रॉप्स ये सब कुछ क्या है बेटा जल्दी से, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पेट्रिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, कमेंट करेंगे आसान सवाल है ये तो, ये बेसिक चीजें हैं कि भाई ये चीज हम कंज्यूम करते हैं और ये चीजें हैं क्या, फ्लावरिंग प्लांट है क्या या पेट्रिडोफाइट है, खुद बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है बेटा आसान है क्वेश्चन, आंसर क्या है ये सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है हम ये सब चीजें जो कंज्यूम करते हैं इनमें फ्लावरिंग, अरे फ्रूट्स जो है स्पीसीज जो है विविधिस है फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट ही तो है, चाय क्या होता है फ्लावरिंग, चाय चाय का पेड़ जो होता है, ठीक है चाय पत्ती का पेड़ होता है वो क्या होता है, यही तो होता है, ठीक है तो इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसमें अगर इतना मुश्किल ऑप्शन दे दिया और सोचा कि भाई पढ़ा पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं,
चलिए एक और क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे अगर पहली बार पढ़ रहे हो जो बच्चा, तो वो जरूर सर्च करेगा इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऊपर भी लगा दिया कि आपको ठीक है दिमाग में रहे। हाँ जी, एनवायरमेंट फ्रेंडली कंडीशन से रिलेटेड 3 R जो है वो कौन से, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता, पता है कौन से 3 R है, कमेंट करिएगा कौन से 3 R है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए कौन से 3 R है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सारे सर, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, कमेंट करिएगा सारे सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सारे सर। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑब्वियसली रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग इन द सेल, निम्नलिखित में से कौन सा जिसे हम डाइजेस्टिव बैग कहते हैं सेल का, जल्दी से बताइएगा डाइजेस्टिव बैग किसे कहते हैं सेल का, जल्दी से कमेंट करिएगा डाइजेस्टिव बैग किसे कहते हैं सेल का, जल्दी से कमेंट करिएगा, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हम लाइसोसोम को कहते हैं, देखो लाइसोसोम को 3-4 वर्ड से डिनोट किया जाता है, ठीक है, लाइसोसोम को 3-4 वर्ड से डिनोट किया जाता है, उसमें से एक क्या है, ठीक है, डाइजेस्टिव बैग है, ठीक है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, ठीक है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, 3-4 वर्ड यूज किया जाता है लाइसोसोम के लिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट करिएगा सारे सारे, ठीक है, कैरेट जो है कौन से विटामिन का रिच सोर्स है, जो गाजर होता है वो कौन से विटामिन का रिच सोर्स है, गाजर से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का विटामिन ए, विटामिन ए इसका आंसर है, ठीक है, विटामिन ए इसका आंसर है, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ब्लड हमेशा रेड होता है इंसान का, उसका कारण क्या है, किसकी वजह से, किसकी प्रेजेंस की वजह से जो ब्लड है वो रेड होता है, जल्दी से बताइए किसकी प्रेजेंस की वजह से ब्लड रेड होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करना सारे सारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड रेड किसकी वजह से होता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से जो है ब्लड रेड होता है, ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड होता है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, शेयर करना है सेशन, है ना, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसमें ना वैसे एक और ऑप्शन भी आ सकता था, ठीक है, अब वो ऑप्शन आपको दोबारा क्वेश्चन एक और पूछूंगा मैं उसमें बताऊंगा, एक और ऑप्शन आ सकता है कि आपसे ये भी पूछ सकता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन के अलावा भी आंसर आएगा, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लीवर, बताइए इसमें से लीवर में से क्या प्रोड्यूस होता है, आसान क्वेश्चन, ठीक है, लीवर में से क्या चीज प्रोड्यूस होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लीवर में से क्या प्रोड्यूस होता है, शेयर करना सेशन को, जल्दी से बताइए बेटा, याद रखना अभी अपन लोग ना सेशन जो है, ठीक है, कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, इस वजह से स्लोट थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन साथ के साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि बेटा आपका जो 9 बजे का सेशन है ना, अभी अपन लोग वाईफाई स्टडी पे 9 बजे जुड़ेंगे, ठीक है, 9 से लगातार 11 बजे तक पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बीच में आपको थोड़ा सा गैप देता हूँ, टॉपिक वाइज जीके जो है स्टार्ट करा देता हूँ, ठीक है, तो आप जुड़ना स्टार्ट कर दो, 10 बजे का सेशन तो 100% देखो, मेरे हिसाब से तो 9 बजे से ही जुड़ना चाहिए, ठीक है, मैं अभी इसको थोड़ा सा कम स्लोट करके आपको पढ़ा के आपको फिर 9 बजे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, यूरिया इसका आंसर है ऑब्वियसली, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, हाँ जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें से किसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, जल्दी से बताइए इसमें से किसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, जल्दी से बताइए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड या पैनक्रियास, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है प्रोड्यूस नहीं होता, किसमें, कमेंट करेगा आंसर क्या है, ठीक है, बताइए, ये आंसर है लीवर, देखो लीवर का काम ना कोई एंजाइम प्रोड्यूस करना नहीं होता,
ये फैट इमल्सीफाई करता है, ये क्या करता है, फैट इमल्सीफाई करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये फैट इमल्सीफाई करता है, ठीक है, तो इसका कोई एंजाइम प्रोड्यूस करना इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा, फैट इमल्सीफिकेशन का काम है, लीवर का काम क्या है, फैट इमल्सीफिकेशन का काम। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। मलेरिया कैन बी क्योर्ड विद द ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मलेरिया को कौन से कहां से प्रोड्यूस हुए ड्रग से जो है क्योर किया जा सकता है, जल्दी से बताइएगा, आसान क्वेश्चन, सभी जानते होंगे इसका आंसर, तो इसका आंसर तो सभी जानते होंगे, आंसर क्या होगा बेटा, कमेंट करेंगे सारे सर, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, आंसर क्या, ठीक है, आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, चिनोट्रिक जो है ना उसकी छाल होती है, ठीक, छाल में से मिलता है, स्ट्री का भी जो बार्क होता है ना छाल, ये छाल में से ये ड्रग बनता है, और इसी ड्रग को जो है, ठीक है, मलेरिया को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है, ये बहुत पुराना जो सॉल्यूशन है, क्योर है मलेरिया का, यही है इकलौता क्योर जिसे हम कह सकते हैं अभी तक तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, बड़ा आसान है, फार्मर्स फ्रेंड किसे कहा जाता है, कौन से एनिमल को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, कमेंट करिएगा, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कौन से एनिमल को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सारे के सारे, शेयर करना सेशन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फार्मर्स फ्रेंड किस एनिमल को कहा, किस एनिमल को कहा जाता है, वैसे ये एनिमल नहीं है, हम इंसेक्ट कह सकते हैं एक तरीके से, अर्थवर्म केचुए जो होते हैं, ठीक, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कि देखो आपसे वेदर कंडीशन बोले जाए, होता ही है प्लांट में, लेकिन किस कंडीशन में इंक्रीज होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किस कंडीशन में इंक्रीज होता है, जल्दी से बताइए, ठीक है बेटा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बेटा कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो आंसर इसका हॉट ड्राई सीजन होता है, ठीक है बेटा, हॉट ड्राई विंडी कंडीशन जो होती है, इस कंडीशन में बेटा ट्रांसपिरेशन जो है ना इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, हॉट ड्राई विंडी कंडीशन में ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाती है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, ठीक, ये नहीं कर रहे क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो माइक्रो, इस बार क्वेश्चन माइक्रो का आ गया, वैसे मैं हर बार आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ाता हूँ ना क्वेश्चन में, अभी ये मैक्रो नहीं माइक्रो पूछ रहा, बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है, शेयर करना जल्दी से, बताइएगा कौन सा इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कमेंट करिए, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा कौन सा इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होगा, कमेंट करिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन, आंसर है इस क्वेश्चन का बोरोन, ठीक है, बोरोन इसका आंसर है, ठीक है, बोरोन इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो आम तौर पे उत्पादन होता है वो किस चीज का होता है, कमेंट करिएगा किस चीज का प्रोडक्शन होता है आमतौर पे, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक बेसिक सा क्वेश्चन, आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करिएगा, ठीक है, आमतौर पर किस चीज का उत्पादन होता है, ठीक है, आमतौर पर उत्पादन होता है लैक्टिक एसिड का, ठीक है, एनएरोबिक एक्सरसाइज अगर मैं बोल रहा हूं तो एक तरीके से यह है कि अगर हम हमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए ना, ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो वो एक एनएरोबिक प्रोसेस है, और उसमें हमारे शरीर में भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जैसे हम बहुत ज्यादा रनिंग कर लेते हैं एकदम से, ठीक है, फिजिकल वर्क कर लेते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कहने का मतलब एनएरोबिक, तो उसमें भी शरीर में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिससे शरीर में दर्द होता है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कंप्लीट बैचेस अवेलेबल है, ये ना बैचेस कल से लाइव हो रहे हैं, ठीक है, आपको ये पूरे मंथ अवेलेबल होंगे, ठीक है, आप परचेज कर सकते हो पूरे मंथ में लाइव अमन रेफर कोड यूज करके, अब कंप्लीट का मतलब सभी सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस, ए टू जेड चीजें पूरी टीम के साथ होने वाली है, फीस भी बहुत कम है इसकी, और ये रेफर कोड है, अन अकेडमी में जाके आप इस रेफर कोड को यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, कैरेटीन जो है ना एक प्रोटीन है, वो किसका मेजर कंस्टिट्यूएंट है, बताइए कैरेटीन किसमें होता है, कैरेटीन किस में होता है, कैरेटीन किसका मेजर कंस्टिटेंट है, कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा, ठीक है, कैरेटीन जो है ये किसका मेजर कंस्टिटेंट है, कमेंट करिएगा, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का,
है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। कैरोटीन किसका जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑल ऑफ द अबव भाई, हेयर में, स्किन, नेल्स, होर्न्स, फीदर, वूल, सब में होता है कैरोटीन, ठीक, कैरोटीन जो है सब में होता है, ठीक। तो आसान है क्वेश्चन, नॉन ग्रीन हेटरोट्रोपिक प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम्स आर कॉल्ड एज, ठीक है, पहली बात तो नॉन ग्रीन, ठीक है, दूसरा हेटरोट्रोपिक, ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं प्लांट किंगडम में कौन से, कमेंट करिए, आसान है, बस आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट करिए। है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, फंजाइस का आंसर है, ठीक है, फंजाइस का आंसर है। आप ये ना इसका एलगे मत लगाना, एलगे मत लगाना, पहली बात तो ये देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्लांट किंगडम से तो है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, अगर आपसे एलगे बोलता ना, एलगे ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ठीक है, तो आंसर इसका फंजाई है, प्लांट किंगडम का भी है, हेटरोट्रॉपिक भी और नॉन ग्रीन भी होता है, ठीक है, तो सारी कंडीशन अप्लाइड होती है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ लाइट इज अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से कौन सा कंपोनेंट जो है लाइट का अब्सॉर्ब होगा, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्लोरोफिल से कौन सा कंपोनेंट जो है लाइट का अब्सॉर्ब होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से उठेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, ब्लू एंड रेड, ठीक है, ब्लू एंड रेड इसका आंसर है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कुछ नहीं। Which of the following blood cell is compulsory for the blood coagulation? कौन सा ब्लड सेल जो है कंपल्सरी है ब्लड कोएगुलेशन के लिए, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से होते, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कौन सा ब्लड सेल जो है कंपल्सरी है ब्लड कोएगुलेशन के लिए, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से होते, है ना, ब्लड कोएगुलेशन के लिए, तो अब इसमें ऑप्शन में प्लेटलेट्स दे रखा है, क्या ये करेक्ट आंसर, ठीक है, फोकस करो, डेली बेसिस पे क्लास करो, 8 बजे की टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग, ठीक है, आज थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, तो क्लास की स्टार्टिंग में नेट खराब हो रहा है, ठीक है, इस वजह से बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आज बहुत ज्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 PM पे आप 100% सभी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, 8 PM पे आप 100% सभी क्लासेस ले सकते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर प्लेटलेट्स है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन ह्यूमन स्केलेटन, आसान क्वेश्चन हो गया बहुत ही ज्यादा, है ना, ठीक है, कितनी बोन्स होती है, ठीक है, हमारे स्केलेटन में कितनी बोन है, ठीक है, ढांचे में कितनी बोन होती है, कमेंट करिएगा आंसर क्या है, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आसान है, कुछ है नहीं इसमें, फोटो मैंने ये करा दिया है, सी का आंसर करा चुका हूं, कल कराया था मैंने, कल ही क्लास में कराया था, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी चलते हैं बेटा, अभी हम ना 9 बजे जुड़ेंगे वाईफाई स्टडी चैनल पर, अपना जो 2 घंटे का पूरा सेशन होता है ना, वो 2 घंटे का सेशन करना है बेटा, ठीक है, ये जैसे मैं आपको सुबह एक बारी वार्म अप देता हूँ ना कि हाँ भाई यहाँ पढ़ना है अपना बढ़िया तरीके से, उसी तरीके से 8 बजे के सेशन में आना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एग्जैक्टली पढ़ना 9 बजे से कितने बजे तक है, रात के 12 बजे तक है, ये स्लॉट है 9 से 12 वाईफाई स्टडी, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, टिन इसका आंसर है, SL, ठीक है, हाँ जी, पेप्टर अलॉय में क्या यूज होता है, ठीक है, टिन यूज होता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, एट लो टेम्परेचर, बहुत अगर तापमान कम है तो उस तापमान पे लेड किसकी तरह बिहेव करेगा, सीसा जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, शीशा किसकी तरह बिहेव करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सारे के सारे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, लो टेम्परेचर पे शीशा किसकी तरह काम करता है बेटा, सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक है, सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन, ये नहीं कर रहे क्वेश्चन, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ जी, इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि मोलस्को से, ठीक है बेटा, अब इसके लिए आपको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम ये चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे यार, है ना, कि भाई मोलस्को जो है इससे कौन सा एनिमल बिलोंग करता है, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन आ गया अभी, ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, ठीक है, फिर भी प्रैक्टिस करो आ जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे सीखोगे तो ये क्वेश्चन भी आपके आ जाएंगे, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, मोलस्को जो है इसमें से कौन सा एग्जांपल, इसमें एनिमल का कौन सा एग्जांपल आ गया, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा,
ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक खरगोश, ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक कमेंट करिएगा। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आसान है ना, आसान क्वेश्चन आ गया, सेल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज, ठीक है अभी जो आप जो टीथ से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है एग्जैक्टली जो डॉक्टर होते हैं उनका नाम क्या होता है, क्या यूज करते हैं उनके लिए, ठीक है ऑडेंटोलॉजी, ठीक है ऑडेंटोलॉजिस्ट यूज करते हैं ना, ठीक है तो आंसर ऑडेंटोलॉजी इसका आंसर है। ठीक है कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ना आसान होती है, उसको हम डेली बेस की जो नॉलेज है ना उससे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये हो गया क्वेश्चन बेटा, अभी 10 बजे करना है, देखो वाईफाई स्टडी पे अपन लोग ये जो टॉपिक वाइज जीके कर रहे हैं ना 10 बजे सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, मतलब मैं कहूं तो पूरे दिन में 2 सेशन इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा लेता हूं, ठीक है पहला 5 बजे लूसेंट, ठीक है और दूसरा फिर 10 बजे ये सेशन, ठीक है तो आप सभी इस पे फोकस करें, दोनों सेशन इंपोर्टेंट है। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, ठीक है बताइए ऑसिपिटल किस शरीर के कौन से भाग में पाया जाता है, ठीक है बताइए ऑसिपिटल जो है शरीर के कौन से भाग में पाया जाता है, जल्दी से बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन, ठीक है बेटा हेयर इज अ मैमल बट एनिमल्स, जो इंसान है इज अ टाइप ऑफ एनिमल है ना, ठीक है तो मैमल इज अ टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करेक्ट है वो, ठीक है स्कल, ठीक है ऑसिपिटल किसमें पाया जाता है, स्कल में पाया जाता है, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एंगोरा वुल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अब ये वुल का टाइप है, अब ये किस जानवर से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है एंगोरा वुल किस टाइप के जानवर से जो है एक्सट्रैक्ट होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा, एंगोरा वुल जो है किस टाइप के जानवर से एक्सट्रैक्ट होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है आप दोबारा रैबिट है, ठीक है चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विद द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड, बताइए ह्यूमन बॉडी पार्ट्स किससे क्रिएट होंगे कमेंट करिएगा, ये अपना फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद आप सिंपल सा काम करिए, आप पहला तो अगर मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो तो डू सर्च इंडियन पॉलिटी ऑन यूट्यूब एक बार कम कर लेना, 8 बजे सेशन डेली हो रहा है 8 PM पे, ठीक है ये तो सेशन डेली वाई फाई स्टडी स्टूडेंट हो रहा है, ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक डाला हुआ है, लिंक क्या लिखा हुआ है, लिखा फॉलो अमन सर ऑन अकेडमी, ठीक है उस प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, ठीक है सारे के सर जब आप प्रोफाइल फॉलो करोगे तो आपको ठीक है प्रोफाइल पे मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, तो आप हम फ्री क्लासेस के लिए रेफर कोड यूज कर सकते हैं लाइव अमन, अभी हम सीधा वाईफाई स्टडी पे 9 बजे पढ़ेंगे, ठीक है जो दमदार सेशन हमें कंटेंट उठा रहा है वो उठाएंगे वहां पे, ठीक है तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा स्टेम सेल इसका आंसर है, तो ये सब क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, PDF में कमेंट बॉक्स पे डलवा रहा हूं अभी, ठीक है चलिए आप सारे के सारे वाईफाई स्टडी चैनल पे आ जाओ, ठीक है 9 बजे अभी ये 11 बजे का जो अगर आपको नोटिफाई करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है फॉलो अमन सर ऑन एकेडमी, उसको लिंक को ओपन करो, ठीक और जुड़ जाना उसमें, ठीक है जो भी अच्छा देगा, डेली बेसिस पे पढ़ो बेटा क्लास, ठीक है ये 2 क्लासेस इम्पोर्टेंट है, पहला ये 5 बजे का और दूसरा अभी मैं 10 बजे जो कराने वाला हूँ, ठीक है 9 बजे जो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है सारे के सारे जुड़ो इसमें। देखो आप अनअकैडमी पे 2 तरीके से जुड़ सकते हो, एक तो जैसे मैं आपको फ्री क्लासेस देता हूं, जैसे मैं रात को भी दूंगा 11 बजे और अभी सुबह 10 बजे भी होती है, ठीक है अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा आपका अनअकैडमी का जो कोर्स है, ठीक है अनअकैडमी का कोर्स जो है लाइव है, ठीक है टॉप एजुकेटर बैच है, मतलब जितने भी टीचर पढ़ा रहे हो, लेकिन डेट ध्यान रखना 17 मार्च है, कल लाइव हो जाएगा, तो आप इसके बाद से पूरे महीने में आप इस रेफर कोड को यूज करके लाइव अमन में, ठीक है रेफर कोड को यूज करके आप इन कोर्सेज में एक्सेस कर सकते हो, कैसे बेटा याद रखें SSC गोल सिलेक्ट करिए, गेट सेशन क्लिक करिए, मंथ सिलेक्ट करिए और फिर ये रेफर कोड लगाइए लाइव अमन, ठीक है फिर ये रेफर कोड लगाइए लाइव अमन, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, ठीक है ये रेफर कोड से आपका डिस्काउंट हो जाएगा, बाकी आपको जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर वो पढ़ाएंगे, इंटरेक्टिव सेशन है, PDFs होती है, मॉक टेस्ट होते हैं, सब कुछ अवेलेबल, मतलब एक फुल बैच जिसे हम कहते हैं ना वो आपको इसमें अवेलेबल होगा, ठीक है तो आप इसको आप एक्सेस करिए, सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है मैंने, सीधा उसी में चले जाइएगा।
ठीक है, फॉलो आंसर हो तो ठीक बेटा। अमरचंद क्लासेस का ड्यूरेशन कम नहीं हो रहा, बस ये है कि 10 मिनट पहले मैं इसलिए छोड़ता हूँ, सो डेट कि हम नेक्स्ट क्लास के लिए अपने आपको ठीक है प्रिपेयर कर सके, क्योंकि हमें कंटेंट अवेलेबल कराना आपको हर क्लासेस में अच्छे तरीके से, है ना, तो वो चीज में पॉसिबल तभी हो पाएगी।